हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। आगे रतिया में देर रात एक शादी समारोह में नशे में धुत पुलिसकर्मी ने जबरन डीजे बंद करवाया और इस दौरान लोगों ने पुलिसकर्मी पर बदसलूकी करने का भी आरोप लगाया। पुलिसकर्मी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लोगों का कहना है कि पुलिसकर्मी ने जबरन डीजे बंद करवाया और इसके बाद लैपटॉप भी तोड़ दिया। लोगों ने पुलिसकर्मी के खिलाफ डीएसपी से शिकायत की, साथ ही पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की है। बच्चे की शादी थी जी मेरे की, ब्याह के लिए रात को बच्चे लग रहे थे जी, माड़ा मोटा गेट बंद कर रखा थी आपका, सिर्फ मेरे रिश्तेदार थी, छोटिया लड़कियां नचे लग रही थे, पुलिस वाला गया जान सार शराब पी हुई थी, वो हड़दंग पाया जी, लैपटॉप से मुक्की मार के भन थी, जो लड़का चला रहा सी वो लैपटॉप तोड़ता, वो थप्पड़ भी मारे जी, बस सलूकी करके आए। डीजे वगैरह से रहता था, उसकी शिकायत मिलने पर पुलिस वहाँ पहुँची, डीजे वगैरह बंद करने लगी वहाँ, उसका पुलिस का कोई तरीका गलत होगा वहाँ, क्योंकि वो जो लैपटॉप वगैरह है वो तोड़ दिया वहाँ, उसको उसकी वजह से लेकर ये लोग आए हुए थे, लेकिन माननीय अदालत का आदेश 10 बजे के बाद जो डीजे नहीं बजा सकते, अगर कोई कंप्लेंट होती है पुलिस वहाँ जाती है, लेकिन तरीका पुलिस को भी सुधारना होगा। अगर इस जो प्रकरण है इसमें अगर किसी को गलती मिली किसी भी कर्मचारी की, तो उसके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी, इसकी जांच की जाएगी, अभी बिल्कुल जांच की जाएगी, जांच के लिए ही मैं आया हूँ। तो पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है और अभद्र व्यवहार करने का भी आरोप लगाया है, बदसलूकी का आरोप लगाया गया है पुलिसकर्मी पर। इसकी शिकायत डीएसपी से की गई है। डीजे जबरन रुकवा दिया गया और इसके अलावा लैपटॉप भी तोड़ा पुलिसकर्मी ने और सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो गया है। पुलिसकर्मी ने जबरन डीजे बंद करवाया, लैपटॉप तोड़ दिया और किस तरीके से बदसलूकी की है, इसकी शिकायत हालांकि डीएसपी से की गई है। पूरे मामले में जांच की बात कही जा रही है। पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई की मांग लगातार ये लोग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बदसलूकी की गई है उनके साथ, डीजे को जबरन बंद करवाया गया है, लैपटॉप तोड़ दिया गया है और पुलिसकर्मी पर ये गंभीर आरोप लगे हैं। पुलिसकर्मी की शिकायत डीएसपी से की गई, जिसके बाद डीएसपी ने इस पूरे मामले में कार्रवाई करने की बात कही है, कहा है जांच के बाद इस मामले में कार्रवाई की जाएगी। जबरन डीजे बंद करवाया गया, जिसके बाद ये लोग भी नाराज हो गए। क्यों आ रहे हैं?